हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। सो आज मैं बात करने वाली हूँ एक हेयर मास्क की। ये हेयर मास्क बहुत ही अच्छा है डल एंड ड्राई हेयर के लिए, जिनको भी डल एंड ड्राई हेयर की प्रॉब्लम है, इवन नॉर्मल हेयर एंड जिनकी ऑयली स्कैल्प है वो भी इस हेयर मास्क को यूज़ कर सकते हैं। और ये मास्क आपके हेयर को शाइनी बनाता है, टैंगल फ्री बनाता है, आपके हेयर को ग्रो करने में हेल्प करता है। सो गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिए, सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये हेयर मास्क फर्स्ट टाइम में ही काम करता है। मेरे हेयर बहुत ही डल एंड ड्राई हो गए थे, बहुत दिनों से मैंने कुछ अपने हेयर्स में कोई भी मास्क वगैरह नहीं लगाया था, तो ये बहुत ही डल हो गए थे। और अब देखिए ये हेयर मास्क लगाने के बाद कैसे मेरे डल हेयर में से भी मेरी उंगलियां बिल्कुल ईजिली निकल जा रही हैं, कितने टैंगल फ्री है हेयर मेरे हो गए हैं। तो ये मास्क आप ज़रूर ट्राई करें, उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इस मास्क को आप वीक में एक दिन लगा सकते हैं। वैसे तो फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा, बट 3 to 4 एप्लीकेशन के बाद आपको ज़्यादा रिजल्ट समझ में आएगा। आपके बाल बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और शाइनी हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए एग, लेमन, योगर्ट या कर्ड भी आप बोल सकते हैं, ऑलिव ऑयल या फिर आप कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं। सो एक बोल में इन सारे अंडों को तोड़ लीजिए। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप एग वाइट्स एंड एग योग दोनों यूज़ कीजिए, और अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आप सिर्फ एग वाइट्स को यूज़ कीजिए। मैंने 3 eggs लिया है क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं, आप अपने हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंगली 1 या 2 या फिर 3 eggs ले सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 to 3 teaspoons ऑफ कर्ड। कर्ड की खासियत ये होती है कि ये एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल होती है, तो ये आपके स्कैल्प को फ्लेकी होने से बचाती है, उसको ड्राई होने से बचाती है एंड डैंड्रफ को प्रिवेंट करती है। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो है ऑलिव ऑयल। आप कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल कोई भी ऑयल ले सकते हैं, ये मैंने 1 teaspoon लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन जूस, जो कि मैंने 1/2 teaspoon लेमन जूस लिया है। और लेमन जूस की खासियत ये होती है कि ये विटामिन सी में रिच होता है, जो कि हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है एंड हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है। सो नाउ इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, सो दैट चारों चीज़ें जो हमने इसमें डाली हैं वो बहुत अच्छे से इसमें मिल जाएं। नाउ मेरा पैक इज़ रेडी और अब मैं इसको अपने हेयर्स पे लगाने जा रही हूँ। इसको हमें स्कैल्प से लेके और हेयर के इंड तक लगाना है, स्प्लिट इंड, सो दैट ये स्प्लिट इंड को रेस्क्यू करता है। सो लगाने से पहले हम खुद को एक अच्छे से टॉवल से रैप कर लेंगे, सो दैट हमारे कपड़े गंदे ना हों। और हमें इस मास्क को स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करते हुए लगाना है और पूरे हेयर में लगाना है, अपने हेयर के इंड तक लगाना है। इस पैक में हमने मिलाया है एक जिसमें कि प्रोटीन, मिनरल्स एंड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स होते हैं, जो कि हेयर लॉस को प्रिवेंट करते हैं एंड हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। साथ ही जो एग योक होता है उसमें फैट होता है, जो कि ड्राई एंड डल हेयर जिनके हो जाते हैं उसको कंडीशन करता है एंड हेयर के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। ऑलिव ऑयल जो होती है वो हमारे हेयर को लॉन्ग करने में और उसको थिक बनाने में हेल्प करती है एंड हमारे स्कैल्प को प्रिवेंट करती है डैंड्रफ से और जो भी अदर स्कैल्प के प्रॉब्लम होते हैं, लाइक ड्राइनेस वगैरह जो हो जाती है स्कैल्प पे, उससे प्रिवेंट करता है। और कर्ड जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल होता है। इसमें हमने डाला है लेमन, जो कि विटामिन सी में रिच होता है और हेयर ग्रोथ को ये भी इम्प्रूव करता है, साथ ही हेयर फॉल को रोकता है एंड हेयर के स्कैल्प को क्लीन करता है। सो इस पैक को हम 20 से 30 मिनट तक अपने बालों पे लगे रहने देंगे, उसके बाद इसको हम नॉर्मल पानी से धो लेंगे और उसके बाद टॉवल से ड्राई कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं कि मेरे हेयर कितने स्मूथ एंड टैंगल फ्री हो गए हैं। इस हेयर मास्क को आप लगाइए और लगाने के बाद जो रिज़ल्ट आपको मिले
वो मुझे कमेंट करके बताइए। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी।